हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं SBI क्लर्क 2019 का, जो है अब आपके सामने एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 45 दिन बचे हैं, ठीक। और इस 45 दिन में आप क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे जिससे कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज़ जो SBI क्लर्क 2019 के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये जानना क्या क्या चीज़ जानना है ये बहुत ज़रूरी है, और उसी के अनुसार आपको एक स्ट्रेटजी बनाना होगा। और ये 45 डेज आपको उन्हीं स्ट्रेटजी को फॉलो करना होगा, देन फाइनली आपका रिजल्ट जो है प्रीलिम्स का जरूर क्लियर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आपका मेंस आता है, तो पहले आपको प्री क्लियर करना ही होगा, तभी आप मेंस के बारे में सोचेंगे। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जानते हैं इसके बारे में, SBI क्लर्क 2019 में क्या है जो कि पहले से डिफरेंट रहेगा। तब से था कि वो ट्रेडिशनल के 2016 में पेपर हुआ, फिर 2018 में होगा, तो सवाल था 2019 में होगा कि नहीं, ठीक। तो ये जो दो साल का जो ट्रेडिशनल गैप था, ये तो ख़त्म हो गया, ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो ये तो आप दिमाग में पहले ही हटा लेते हैं कि भाई इस वाले वैकेंसीज आएगी कि नहीं। मैंने काफ़ी बार कहा भी कि इस बार वैकेंसीज आएगा, ठीक। और तो ये चीज़ था। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि पहले जो होता था पेपर, अगर हम बात करें 2018 को छोड़ दें, ठीक है, 2018 से पहले भी क्या था, सेक्शनल कट ऑफ था। लेकिन अगर इस बार की बात करें या 2018 से देखें, एक चीज़ की सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। सेक्शनल कट ऑफ नहीं कि कहने का मतलब, इसमें 20 मिनट्स का तो जो समय है आपका जो है ही, ठीक है, 20-20 मिनट का टाइम जो है आपको मिलेगा। लेकिन इसमें क्या है ना कि पहले क्या था कि मिनिमम इसमें आपको जैसे कि 5 या 6 मार्क्स लाने थे, जो कि अब नहीं है। इसमें भी आपको कम से कम 7 से 10 मार्क्स लाने थे, जो कि नहीं है। रीजनिंग में भी आपका 10 से 12 मार्क्स लाना था, जो कि अब नहीं है। तो सेक्शनल कट ऑफ बिल्कुल नहीं है। कहने का मतलब कुल मिलाकर अगर आप यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि आपका जो से कि इंग्लिश ख़राब है, ठीक है, इंग्लिश आप में आप कमज़ोर है, अगर इसमें आप 0 भी ले आते हैं, इसमें मान लिया कि अगर आप यहाँ पे अगर 32 मार्क्स लेके आते हैं, रीजनिंग में भी अगर आप 32 लेके आते हैं, कुल मिलाकर यहाँ पे 64 और आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है। अगर आपका इंग्लिश में 0 मार्क्स भी है, तब भी आपका रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन ज़रा सुनिएगा ध्यान से, क्या आपको लगता है कि पॉइंट जो 35 में है आप 32 ला पाएंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि क्या 35 में से आपको 32 आप इस 20 मिनट में ला पाएंगे? ये पॉसिबल नहीं है, ठीक। 35 क्वेश्चन को 20 मिनट में सॉल्व करना, अगर हम एवरेज स्टूडेंट से ऊपर भी बढ़ें तब भी नहीं पॉसिबल है। बहुत ब्रिलियंट होंगे तो उनको भले 32 आ जाए, 32 मार्क्स आ जाए, ठीक। लेकिन कुछ स्टूडेंट का 100 में से 10% ऐसे होंगे शायद वो 32 ला पाएँ, लेकिन 90% ऐसे ही स्टूडेंट होंगे जो कि 25 ही क्रॉस कर पाएंगे। क्लियर? तब बात समझिएगा। रीजनिंग की बात करें तो 20 मिनट में आप यहाँ पे कहने का मैं 32 यहाँ भी नहीं ला पाएंगे, यहाँ भी आप 25 ही प्लस कर पाएंगे। कुल मिलाकर देखें तो यहाँ पे 25 प्लस और यहाँ पे 25 प्लस, कुल मिलाकर देखा जाए तो 55 अराउंड आप ला सकते हैं। इन दोनों सेक्शन से क्या ला सकते हैं? 55 अराउंड। तो क्या लगता है कि आपका ये प्री क्लियर हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि लास्ट ईयर के मैं अभी यहाँ पे कट ऑफ भी दिखाऊंगा तो आप खुद यकीन कर लोगे कि ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर की कट ऑफ आपको सबको पता होना चाहिए कि 65 प्लस गया था। ओवरऑल की बात करें 65 प्लस गया था, अगर स्टेट वाइज की करें तो कहीं कम कहीं ज़्यादा, लेकिन कुल मिलाकर सभी जगह 60 से ऊपर था। तो 55 पे तो आपका रिजल्ट होगा नहीं। तो अब बात है कि इंग्लिश में क्या करना होगा, कम से कम यहाँ पे आपको इंग्लिश में इसके लिए 15 प्लस लेके आना ही होगा, तब जाकर बात यहाँ पे बनेगा कि 70 के आसपास में अगर आप पहुँच जाते हैं, अगर आप 70 या 70 प्लस कर लेंगे इस बार, अगर 70 या 70 प्लस कर लेंगे तो देन फाइनली आपका प्रीलिम्स होगा, क्योंकि आप 70 भी करके आते हैं तो क्या गारंटी कि आपका 70 का 70 ही सही होगा? अरे भाई, 2-4 तो गलत किसी का भी होता है, कितना भी ब्रिलियंट हो आपका, 2-3-4 क्वेश्चन गलत ही होते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 भी क्वेश्चन हम हटाते हैं तो 60 कितना होता है, 66 बचता है, और एक मास उसका भी कटेगा तो 65। तो चलो ठीक है, अगर 70 या 70 प्लस आते तो 65 भी करना ठीक है, सेफ रहेगा। मे बी चांसेस 90% होगा, लेकिन 70 से ऊपर आप करके आते हैं, अगर 70 से ऊपर कहने का मतलब 75-80 अगर करके आते हैं, गलत भी होता तो आपका 70 होगा ही होगा, और 70 रहने पर 100% रिजल्ट होगा, ठीक। और इस बार अगर हम बात करें तो कुल कितने सीट है, 8,653 वैकेंसीज हैं। और सबसे ज़्यादा कुछ स्टेट की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें लखनऊ की बात करें, लखनऊ या दिल्ली रीजन में, ठीक है, तो कितना सीट यहाँ पे, 1,197 सबसे ज़्यादा। कुछ स्टेट की मैं बात यहाँ पे कर लेता हूँ कि कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा सीट है, और लोअर कैंडिडेट कहाँ सबसे ज़्यादा फॉर्म को अप्लाई भी किए होंगे। वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ पे
600 है। जयपुर की बात करें तो जयपुर में भी आपका यहाँ पे 600 सीट है ना। फिर बात करें सबसे ज़्यादा आपका कहाँ पे, मुंबई में, ठीक है, मुंबई में आपका कितना है यहाँ पे, 780 सीट है। तो कुछ स्टेट जैसे लखनऊ दिल्ली हो गया 1197 हो गया, वेस्ट बंगाल में 600, जयपुर में 600, मुंबई में 780, ठीक। और सबसे कम अगर देखा जाए तो कुछ स्टेट है जैसे कि बिहार हो गए, बहुत ही कम है, ठीक है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में 115 ही सीट है ना। फिर झारखंड की बात करें, झारखंड की बात करें तो यहाँ पे झारखंड में 235 ही सीट है, ठीक। और बैंगलोर में भी अच्छा खासा सीट है, ठीक है। बैंगलोर की बात करें, बैंगलोर में भी आपका यहाँ पे 500 सीट है, क्लियर। अहमदाबाद में भी कहने का मतलब यहाँ पे अहमदाबाद में आपका सीट है, ठीक है। अहमदाबाद में भी 425 सीट है। तो पूरे हम स्टेट का तो यहाँ पे नहीं मेंशन करें, कुछ स्टेट का जब मेंशन करें जहाँ पे सबसे ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई करेंगे इस फॉर्म को, या कर भी चुके होंगे, ठीक, कर भी चुके होंगे, या फिर अभी जो नहीं किए वो करेंगे, तो उनके लिए स्ट्रैटेजी अभी भी फॉर्म भरने से पहले आप डिसाइड कर लो आप कहाँ से फॉर्म फिल करोगे, ठीक है। ज़्यादा दूर जाने से भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ट्रैवलिंग में आपका बहुत सारा माइंड जो कॉन्शियस ख़राब होता है, जिससे कि आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा। तो जितना नियरेस्ट हो सके आप अपने स्टेट को फॉर्म भरें, या फिर अपने स्टेट से सबसे नियरेस्ट जहाँ पे आप कंफर्ट हैं जाने में आने में और वहाँ पे एग्ज़ाम अच्छे तरीके से देख सकते हैं, वहीं पे आप फॉर्म अप्लाई करें, ठीक। ये चीज़ हो गया। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे कि कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। अगर यहाँ पे SBI क्लर्क 2018 कट ऑफ की बात करें, आउट ऑफ फंडेड में बात करें, देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए कि किस स्टेट का OBC जनरल SC का ST का कितना कितना कट ऑफ गया था, है ना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे लखनऊ और यहाँ पे दिल्ली की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपका चलिए उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश का ही देख लो कि जो कि सबसे ज़्यादा इस वक्त सीट भी है, वैकेंसीज भी है, देख लो कि जनरल कैटेगरी का यहाँ पे लगभग 69.25 गया था, और वैकेंसीज यहाँ पे इस बार कुल मिलाकर कितना है, यूपी अगर जोन की बात करें तो यहाँ पे 1197 सीट है इस बार की बात करें, और एक पिछली बार की कट ऑफ कितना गया है, 69.25 गया है, ठीक। OBC का 65.5 गया था, मीन्स की 60+, SC का 54.5 गया था, और ST का 46.75 गया था, है ना। तो देखिए इस बार एक चीज़ और चेंज हुआ है, वो क्या है, EWC, ठीक है, मीन्स की इकोनॉमिकली जो वीकर कास्ट है, या पहले तो था कि OBC था, अदर बैकवर्ड कास्ट, अब है कि एक और इंक्लूड हुआ है EWC, मीन्स की कहने का मतलब एक्सट्रीमली वीकर जो कास्ट होते हैं, जो कि जनरल कैटेगरी में ही आते हैं, लेकिन उनका जो है फैमिली, अगर उनका जो है इकोनॉमिकली अगर वीक है, कमज़ोर है, उनके लिए तो वहाँ पे भी रिजर्वेशन का यहाँ पे छूट आ चुका है। तो कहने का मतलब यहाँ पे अब OBC की अगर बात करें और जनरल की बात करें तो आपका जनरल OBC का कट ऑफ जनरल से अब ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। जनरल के कंपैरिजन आपका OBC का कट ऑफ इस अब ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। तो सिनेरियो इस बार और भी चेंज देखने को बनेगा OBC और जनरल कैटेगरी का, ठीक। यहाँ पे भले अभी जनरल कैटेगरी का आपको ज़्यादा दिख रहा हो और OBC का कम, लेकिन यहाँ पे एक सिनेरियो हो सकता है इस बार बदल जाए, ठीक, क्योंकि आपने RPF का भी देखा होगा रिजल्ट, तो देखिएगा कि सबसे ज़्यादा OBC का कट ऑफ है अगर जनरल कैटेगरी के कंपैरिजन करें तो। तो चलिए यहाँ पे कुछ स्टेट का जान लेते हैं फटाफट। राजस्थान का देख लीजिए 69 गया था, मध्य प्रदेश का देख लीजिए 66.25 गया था जनरल कैटेगरी से, और OBC का भी सेम रहा था, SC का 51 गया था और ST का 46 गया था, ठीक। वही बात करें हम हिमाचल प्रदेश का 68.75 गया था कट ऑफ, वेस्ट बंगाल का 66.5 जनरल, OBC 55.25, SC का 51.75, ST का 45, महाराष्ट्र का देख लीजिए जो कि इस बार सीट कितना है यहाँ पे 780, तो देख लीजिए यहाँ पे 57 जनरल OBC SC का सेम रहा था, ST का सिर्फ 42.25 रहा था, कम रहा था। हरियाणा का देख लीजिए 70.5 जनरल, OBC 67, SC 55.75, ST 70.5, है ना। दिल्ली रीजन का देख लीजिए, दिल्ली रीजन और UP रीजन को मिलाकर यहाँ पे 1097 सीट है, 97 सीट है इस बार, तो 71.75 गया था जनरल कैटेगरी का। वहीं बिहार का देख लीजिए 66.5 जनरल OBC, और वहीं बात करें SC का 52.25 और ST का 53.25 गया था। पंजाब का देख लीजिए 71.5, OBC का 65, SC का यहाँ पे देख लीजिए 58 और ST का 71.5। यहाँ पे देखिए काफ़ी भिन्नता है भाई, ST और यहाँ पे जनरल का देख लीजिए, ST और सेम रहा, समझ लीजिए।
तो देखिए किसी स्टेट में कोई कास्ट वाइज का जो है कंपटीशन काफ़ी इक्वल रहता है, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर ओबीसी या जनरल की बात करें बिहार का यूपी का, तो लगभग सेम रहता है, ठीक है, लगभग सेम रहता है। उसी तरह यहाँ पे पंजाब का देख लीजिए, एसटी का और जनरल का यहाँ पे बिल्कुल सेम है। छत्तीसगढ़ का देख लीजिए, जो कि ओबीसी जनरल सेम है, 67.25 था, और एससी का 52.25 था, और एसटी की बात करें 45.5 था। जो गुजरात का देख लीजिए, यहाँ पे 57.5 था जनरल ओबीसी, एससी का भी सेम रहा, जो कि एसटी का 39.75 रहा था। उत्तराखंड का 71 रहा जनरल का, ओबीसी का यहाँ पे 66.25 रहा, 61 रहा आपका एससी का, और एसटी का 59.5 रहा। तमिलनाडु का 60 जनरल ओबीसी, और एससी का देख लीजिए 59, और एसटी का 53। यहाँ पे देख लीजिए आंध्र प्रदेश का 71 रहा था जनरल ओबीसी का, और एससी का 64.75, और एसटी का 57। मेघालय का देख लीजिए 50.75 रहा था जनरल ओबीसी, एससी का और एसटी का 46। असम का देख लीजिए 51.25, ओबीसी का 50.25, एससी का 46.25, और एसटी का 46.75। तेलंगाना का भी यहाँ पे देख लीजिए 68 ओबीसी जनरल का, एससी का यहाँ पे 59.25, और एसटी का 59.5 रहा था। अब आके यहाँ पे और भी देख लीजिए, अब यहाँ पे कुछ और स्टेट यहाँ पे हैं, जैसे कि यहाँ पे मध्य प्रदेश देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, ठीक। तो यहाँ पे हो चुका है, इसका इसका जिक्र हो चुका है। अब आइए यहाँ पे इसके जिक्र के बाद यहाँ पे देख लीजिए कुछ और स्टेट पर, जैसे कर्नाटका का, कर्नाटका का देख लीजिए कि 63.75 गया था जनरल का, ओबीसी का 58, एससी एसटी का भी यहाँ पे देख लीजिए कि 52.25, और एसटी का 51.75 रहा था। केरला का 69 जनरल ओबीसी, एससी का 56.75, और एसटी का 44.5 रहा था। उड़ीसा का 62.5 रहा था जनरल कैटेगरी से। मिजोरम का देख लीजिए, सब यहाँ पे मिजोरम में यहाँ पे लगता है कि कुछ मिसप्रिंट हो गया, 11.25 तो मुश्किल है यहाँ पे, फिर भी यहाँ पे देख लीजिए 11.25 रहा मिजोरम का सभी कास्ट वाइज। छत्तीसगढ़ का देख लीजिए 67.25 रहा था जनरल ओबीसी, और छत्तीसगढ़ का यहाँ पे देख लीजिए एससी का 52.25, और एसटी का 45.5। चंडीगढ़ का 71.25 रहा था, वहीं बात कर लें अगर ओबीसी में, तो चंडीगढ़ में ओबीसी का कितना है 64.5, ओबीसी एससी का और एसटी का सबसे ज़्यादा रहा यहाँ पे 71.25। अंडमान निकोबार का देख लीजिए 53 53 53 53, एससी एसटी ओबीसी जनरल सभी का सेम रहा था। ये मिजोरम वाले में कुछ हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो, इतना कम तो नहीं होगा, हो सकता है यहाँ पे जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया कहीं से वो उसमें कुछ फॉल्ट होगा, तो खैर इस पर आप चर्चा ना करें, बाकी सब स्टेट का देख लें, अगर होगा तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए मेंस का भी यहाँ पे एक नज़र डाल लीजिए, कट ऑफ क्या जाता है। तो मेंस का तो पहले प्री होगा क्लियर, तभी तो मेंस होगा। देख लीजिए राजस्थान का कितना गया था 96.75, पंजाब का 100.65, हरियाणा का 99। यहाँ पे बात हुआ है टोटल कितना में यहाँ पे है देख लीजिएगा, जो आपका पेपर होता है 1 यहाँ पे, ठीक है। एक तो यहाँ पे 100 पे भी होता है, जैसे 100 में इसका अगर आप हाफ कर देंगे तो जाकर यहाँ पे जो है यहाँ पे 48 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 48 पॉइंट समथिंग आएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे इस तरह से आएगा 40, तो 100 की बात यहाँ पे नहीं की गई, यहाँ पे जो आपका ओवरऑल जो होता है आपका जो एग्ज़ाम होता है यहाँ पे मेंस की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका 200 क्वेश्चन होता है, ठीक, 200 क्वेश्चन होता है वहाँ पे बात हो रही है, सॉरी 200 क्वेश्चन यहाँ पे होता है, या 200 मार्क्स होते हैं, सॉरी 200 मार्क्स होते हैं उस पर बात हो रहा है, चलिए 200 मार्क्स पे बात हो रही है। तो यहाँ पे सभी कैटेगरी का आप खुद ही देख लीजिए, स्क्रीनशॉट चाहे तो आप लेके देख लीजिए, ठीक है। इस पर ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी प्री होगा तभी मेंस होगा, तो एक बार स्क्रीनशॉट देख लीजिए, कुछ स्टेट का भी देख लीजिए, सभी स्टेट का यहाँ पे अगर देखना चाहें तो आप कह सकते हैं कि सभी का कट ऑफ जो है 90 के आसपास में ही रहा था। अगर 200 की यहाँ पे बात करें तो 200 में 90 प्लस ही रहा था सभी स्टेट का। अब देखिए कि अगर प्रीलिम्स में इंग्लिश का मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताया कि इंग्लिश में आपको 15 प्लस लेके आना है तो क्या क्या करना होगा। 15 प्लस अगर आपको चाहिए इंग्लिश में, अगर 15 प्लस चाहिए तो आपको क्या करना है एग्ज़ाम में, सबसे पहले आपको स्किप ट्रिकी क्वेश्चन छोड़ने होंगे, जहाँ पे आपको लगे कि कोई ट्रिकी क्वेश्चन आ रहा है, जहाँ पे आपको टाइम कंज्यूम हो रहा है वहाँ पे आप एलिमिनेट कीजिए, स्किप कीजिए, आगे बढ़िए। डोंट वेस्ट टाइम ऑन टफ क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन पे आपको समय नहीं देना है, सबसे पहले जितना जो बन सके बनाना है, फाइनली जब लास्ट समय बचेगा तब उस पर मेहनत करना है, उस पर वर्क करना है। फास्ट मेक फास्ट कैलकुलेशन एज यू कैन, जितना आप तेज़ी से कैलकुलेशन करेंगे उतना स्कोर
उतना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसलिए जितना स्पीड हो सके कैलकुलेशन कीजिए, सॉल्व मिनिमम 70 क्वेश्चन। इस बार के लिए मैं बता रहा हूँ कि 70 कम से कम आपको करने हैं, वो करने हैं। इससे कम करके आते हैं आप रिजल्ट भूल जाना, इससे कम करके आते हैं आप रिजल्ट भूल जाना। प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ 70 प्लस करके आएंगे। तो अब क्या क्या करना होगा इंग्लिश में सुनिए, इंग्लिश में क्या क्या करना होगा ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जितना भी रूल है, कम से कम यहाँ पे 30 के आसपास में रूल है, उसको कंप्लीट करना होगा। आर्टिकल पढ़ के जाना है, क्योंकि आर्टिकल से रिलेटेड बहुत काफ़ी सारे एरर होते हैं या क्लोज स्टेज उसमें भरने को आते हैं, आर्टिकल बेस्ड आते हैं। फ्रेजल वर्ब भी कई बार आते हैं, ठीक है। फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड 5 क्वेश्चन होता है, जहाँ पे आपको फ्रेज रिप्लेसमेंट के नाम से आता है क्वेश्चन। टेंस, अब टेंस क्यों जरूरी है, टेंस इसलिए जरूरी है कि जब आप क्लोज स्टेज करते हो या फिर आप फिलर करते हो या फिर आप पैसेज भी पढ़ते हो, तो वहाँ पे क्लोज, यहाँ पे टेंस से रिलेटेड आपका जो पैसेज होता है, अगर टेंस आपके अच्छे होते हैं तो पैसेज समझने में आसानी होगा। चाहे वो वॉइस हो, तो वॉइस में भी आपसे वॉइस से रिलेटेड भी क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे देखकर आप इजी वे में एरर को, क्लोज स्टेज को आप कर सकते हो। या फिर अगर आप पावर एग्जांपल में कहें तो पावर एग्जांपल में भी काफ़ी हेल्प होता है कि आप कनेक्ट कर सकते हो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से, अगर इन सब पे कमांड हो तो। एडियम फ्रेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। प्रीपोजिशन सबसे ज़्यादा आता है क्लोज स्टेज और फ्लेयर से रिलेटेड में। और 1000 यहाँ पे आप अगर एरर कर लेते हैं तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि आपका कम से कम 5 मार्क्स तो आपके पक्के होंगे, पॉकेट में रहेंगे अगर 1000 एरर आपने कर लिया तो सभी टॉपिक से। और फाइनली आपका पार्ट ऑफ स्पीच आता है, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच ये आपको बिल्कुल करने हैं, क्योंकि यहाँ से आपको 80% मार्क्स यहीं से आपको आएंगे। पार्ट ऑफ स्पीच के से 80% मार्क्स यहीं से आएंगे। बाकी जो मैंने आपको यहाँ पे 7-8 टॉपिक बताया, जिसमें कि पार्ट ऑफ स्पीच में आपको प्रीपोजिशन भी शामिल था, ठीक है, प्रीपोजिशन भी इसी में शामिल था। तो 6-7 जो टॉपिक मैंने बताया उससे 20% मार्क्स आते, बाकी ज़्यादा आपका पार्ट ऑफ स्पीच से आता है। क्यों होते हैं जब आप पढ़िएगा तभी आपको पता चलेगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल मैं लेकर बताता हूँ कि कैसे हम एग्ज़ाम में अगर पार्ट ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल पर कर लेते काम तो कैसे इजी वे में हम कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत शॉर्ट क्वेश्चन आपको लेकर समझाने की कोशिश किया हूँ, आई होप कि आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ईच बॉय हैज़ या हैव अ पेन, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, क्या होगा, हैव होगा या हैज़ होगा। ये रूल अगर आपको पता हो कि ईच के साथ सेंटेंस का पहला वर्ड आपका ईच हो, एवरी हो, नो वन हो, समवन हो, आइदर हो, हम क्या यूज़ करते हैं, ये सिंगुलर इसके साथ वर्ब आता है। ईच, एवरी वन, नो वन, समवडी, इनके साथ क्या आता है भाई, आपका सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक, सिंगुलर वर्ब आता है। चलिए, आपका जो नाउन और प्रोनाउन हो सकता है कि वहाँ पे सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है, बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा ईच के साथ हमेशा या एवरीवन के साथ हमेशा सिंगुलर का आता है। तो यहाँ पे हैज़ आप करेंगे, एवरीवन के साथ भी यहाँ पे वाज लगाएंगे, नो वन के साथ यहाँ पे इज लगाएंगे, समवडी के साथ भी यहाँ पे हैज़ लगाएंगे, वन ऑफ के बाद ज़्यादा यानी का वन ऑफ के बाद आपका जो होता है यहाँ पे, ये आपका जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं वो प्लूरल होते हैं, बट आपका जो वर्ब होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। यहाँ पे नोज होगा, आइदर के साथ भी यहाँ पे सेम कंडीशन, नाउन या प्रोनाउन यहाँ पे प्लूरल होंगे बट आपका जो वर्ब होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो इस तरह से कितने इजी वे में हम कर सकते हैं ना, जब आपको रूल पता होता है तो वहाँ से स्कोर अच्छे आ सकते हैं। और इंग्लिश का एक ही फंडा कि अगर आपका रूल पता हो ना, आराम से आप 15+ मार्क्स ला सकते हैं। बाकी आपको ठीक है एडिटोरियल पढ़ना होगा, ऐसा नहीं है, एडिटोरियल पढ़ने से आपका क्लोज टेस्ट अच्छे से हो पाएंगे, पैसेज अच्छा से हो पाएगा। अगर इन दोनों को छोड़ देते 10 मार्क्स का तो आपके पास अभी भी 20 मार्क्स बचते हैं, 20 मार्क्स में से 15 मार्क्स आ सकते हैं आराम से। उसी तरह यहाँ पे अगर फिलर की बात करें तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल बेस्ड आपका जो फिलर है कैसे करेंगे, जैसे ही प्रिवेंटेड मी के साथ, यहाँ पे प्रिवेंटेड के साथ क्या होता है, फिक्स प्रीपोजिशन जो होता है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि प्रिवेंटेड के साथ फॉर्म होता है। आई एम डिजायरस ऑफ, डिजायरस के साथ क्या लगता है, ऑफ लगता है, ठीक है। ही असिस्टेड के साथ यहाँ पे क्या होगा, ऑन होगा, ठीक है, असिस्टेड के साथ ऑन प्रीपोजिशन होता है। सी इंसिस्टेड, असिस्टेड के साथ तो हो गया, चलिए सॉरी, यहाँ पे असिस्टेड के साथ यहाँ पे इन होगा, ठीक है, यहाँ पे इन होगा, एक मिनट मैं लिख देता हूँ, यहाँ से इन होगा और सी इंसिस्टेड के यहाँ पे ऑन होगा, ठीक है। ये जो ऑन लिखना था ऊपर मैं लिख दिया था, सी इंसिस्टेड ऑन प्लेइंग मनी टू हर मदर। चलिए, आई एम टायर्ड, टायर्ड के साथ क्या प्रीपोजिशन लगता है, ऑफ लगता है। और कॉन्फिडेंट के साथ यहाँ पे इन होता है, जब एडजेक्टिव हो तो यहाँ पे ऑन हो, ऑफ होता है, और यहाँ पे नाउन हो तो यहाँ पे इन होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं।
और यहाँ पे देख लीजिए, अगर सिलेबस की बात करें प्रीलिम्स का, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि क्या है यहाँ पे सिलेबस, एक बार नज़र डाल लीजिए। 100 क्वेश्चन होंगे आपके, 100 मार्क्स के होंगे, और इसके लिए आपको 60 मिनट मिलेगा, लेकिन सभी सेक्शन के 20-20 मिनट्स होंगे। इंग्लिश के लिए 20 मिनट्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए, एबिलिटी के लिए 20 मिनट्स, और रीजनिंग के लिए 20 मिनट्स, जिसमें 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के लिए दोनों में, और इंग्लिश में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए होंगे। नो सेक्शनल कट ऑफ, ठीक है, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है कि आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना स्कोर जिसमें करना है कर लो, लेकिन टाइम आपका जो होगा मिनिमम 20-20 मिनट्स ईच सेक्शन होंगे। अब यहाँ पे आते हैं मेंस का, मेंस पैटर्न यहाँ देख लीजिए, टोटल 190 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के लिए होते हैं, ठीक है। और अगर लास्ट ईयर के देखें तो 200 में कितना था सभी की जगह का, 90 प्लस ही कट ऑफ था, तो इस बार भी आपका जो कट ऑफ होगा 100 या 90 प्लस के ही आसपास में होंगे, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा इस बार भी। और देख लीजिए सभी सेक्शन सभी का भी है, 35 मिनट इंग्लिश के लिए, 45 मिनट एप्टीट्यूड के लिए, रीजनिंग के लिए 45 मिनट, और जनरल फिनांस या फिनेंशियल अवेयरनेस के लिए 35 मिनट। कुल 2 घंटा 40 मिनट का समय यहाँ पे मिलता है, और सभी के लिए क्वेश्चन अलग हैं, जैसे कि इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, क्वांट के लिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, रीजनिंग में जो होंगे 50 क्वेश्चन जो कि 60 मार्क्स के लिए होंगे, बाकी सभी सेक्शन में सेम क्वेश्चन सेम मार्क्स के लिए होंगे गाइस, ठीक है। और एक फिर नज़र देख लीजिए कि मैंने बताया था कि इसका सिलेबस क्या होगा, तो इंग्लिश में देखिए क्या क्या पूछे जाएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाएंगे 5 मार्क्स के जो होंगे, क्लोज टेस्ट हो सकता है 5 मार्क्स का होगा, क्लियर होगा, स्पॉटिंग एरर होगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो नंबर सीरीज होंगे, सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन होगा, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन होगा, डाटा सफिशिएंसी होगा, मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे। मिसलेनियस में आपका क्या होगा, टाइम एंड वर्क का होगा, पाइपिंग सिस्टम का होगा, स्पीड एंड डिस्टेंस के होंगे, इन तरह के सारे क्वेश्चन होंगे। पजल अगर आप बात करते हैं रीजनिंग में, तो पजल एंड अरेंजमेंट होगा, इनोक्युलिटी पूछा जाएगा, सिलॉग पूछा जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस और ऑर्डर एंड रैंक, जो कि बेसिक है बैंकिंग के लिए, यह बेसिक है। इसके अलावा पैटर्न में कुछ खास चेंज नहीं होगा, अगर कुछ खास भी चेंज होगा तो इतना में आप आराम से 60 प्लस इस पैटर्न पे भी आप 60 नंबर आप आराम से ले आओगे। कुछ पैटर्न कहाँ चेंज होगा, क्वालिटी के क्वेश्चन में होता है, ठीक है, क्वालिटी के क्वेश्चन में आपके चेंज हो सकते हैं पैटर्न, ठीक है ना। यहाँ पे क्वालिटी के क्वेश्चन में आपका जो है पैटर्न चेंज देखने को बन सकता है, क्योंकि पिछली बार भी आपका पैटर्न चेंज था क्वालिटी के क्वेश्चन, जो कि पुराने जो बेस टाइप के थे उस तरह के नहीं आ रहे हैं, ठीक। अब दूसरे तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। चलिए तो और क्या हो सकता है भाई यहाँ पे, तो कुछ खास नहीं। अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी में देखें तो क्वांट से में अगर आप देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है आपका चेंज किया गया है थोड़ा बहुत, ठीक, और बाकी और कहीं कुछ खास चेंज नहीं है। इंग्लिश में देखा जाए तो सब कुछ सेम है, इंग्लिश में सिर्फ एक है कि जो आपका यहाँ पे कॉलम वन कॉलम टू करके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इंग्लिश में, बस खास फर्क नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अब क्या है फाइनल, अब आपके सामने 45 डेज बचे हैं एग्ज़ाम में, है ना। 45 मीन्स कि जून में पेपर होगा, जून में 15 यहाँ पे 8 जून से आपका पेपर है, ठीक है, स्टार्ट 8 से लेकर 16 के बीच में ही आपका पेपर है, ठीक, 8-9 और क्या कर सकते हैं 16, और इसी तरह 15-16 को तारीख में है, एग्जैक्ट तो नहीं बता रहा, लेकिन आपका 8 से पेपर शुरू है और 16 मिड जून में आपका पेपर एंड हो जाएगा, ठीक। तो कुल मिलाकर 45 दिन है, और हम यही कहेंगे कि आपको करना क्या होगा कि आपको इंग्लिश पे फोकस करना होगा, इंग्लिश में 15 प्लस आपको लेके आने होंगे, ठीक है। और रीजनिंग की बात करें तो इसमें कम से कम 28 आपको लेके आने होंगे, अगर क्वांट की बात करें तो क्वांट में भी आपका 28 मार्क्स लेके आना होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया 1, यहाँ पे हो गया 71, ठीक है, 8 जूनों का 16, 5, 21, 2, 2, 2, 4, 1, 5, 2, 7, 71 मिनिमम यहाँ पे ये होगा आपका। और एक्यूरेसी की हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक्यूरेसी आपको 100% देने होंगे, और इतना आता है तो आपका रिजल्ट इस बार हो जाएगा गाइस। तो इस वीडियो में इतना ही, इसी स्ट्रेटजी के साथ इसी पैटर्न के साथ आप फॉलो कीजिए, एग्जाम आपका क्रैक हो जाएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।